आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत समाचार का ज्योतिष ज्योतिष पर आधारित कार्यक्रम नक्षत्र। आचार्य राजीव शुक्ला जी आपके साथ मौजूद हैं, रोजाना की तरह वो आज भी मौजूद हैं। और अब आपको वो बताएंगे 12 राशियों के बारे में, क्योंकि जो ज्योतिष को मानते हैं इस देश में, उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में आचार्य जी बताते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और आचार्य जी को इसको बहुत फीडबैक भी आता है, लोग इसको फॉलो भी करते हैं, इसे अपनाते भी हैं, उसका बड़ा उन्हें लाभ भी मिलता है। ज्योतिष के मानने वाले लोगों के लिए अगले 12 मिनट आचार्य जी आपके साथ हैं। न्यूज वाले मेरे साथ रह सकते हैं, लेकिन ज्योतिष के लिए आप आचार्य जी के पास चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद भारत समाचार के सभी प्रिय दर्शकों को। आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमस्तुते सप्त अश्वरथम आरूढ़ प्रचंडम कश्यपात्मजम श्वेत पद्मधरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्य हम। इस प्रकार से ऊर्जा, जो प्रातः काल में जो ऊर्जा मिलती है वो ही दिन भर यानी रात्रिमान और दिनमान में ही वो कार्य आती है। और इसी प्रकार से सूर्य चलायमान स्थिति में रखते हैं सबको, सारे ही ग्रहों को, और वो ग्रह हमारे ऊपर क्या प्रतिक्रिया देते हैं वो अनुकूल भी हो सकती है, प्रतिकूल भी हो सकती है। हर दिन कोई ना कोई नया गोचरीय परिवर्तन होता है। और इसी बीच क्या कहता है सबसे सटीक राशिफल मेष से मीन से मेष पर्यंत सारी राशियों के बारे में हम ये बताते हैं। और बहुत छोटी छोटी सावधानियां, ज्यादा कुछ नहीं करना होता है अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए। और हाँ, सुव्यवस्थित करने के लिए पंचांग का ज्ञान भी बहुत आवश्यक होता है। पंचांग यानी हमको बताता है कौन सा समय है आज का शुभ और कौन सा समय आज का शुभ नहीं है। तो हम दर्शकों के लिए हर रोज लेके आते हैं मेष से मीन से मेष पर्यंत सारी राशियां, गागर में सागर, कब क्या कितना करना है। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों, सबसे ज्यादा जरूरत भौतिक रूप से धन की होती ही है। तो पैसों के मामले में, धन के मामले में मेष राशि वाले आज अव्वल यानी प्रथम हैं। काम भी आज आपके समय से पूरा होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपके 11वें भाव में चंद्र का शुभ प्रभाव दिख रहा है। तो पैसों के मामले में आज विशेष रूप से कुछ अपने लिए भी कर सकते हैं और बचत की भी संभावनाएं बली हैं। मेष राशि वालों को क्या कर लेना चाहिए आज, ये उपाय बहुत ही सोचे समझे और तिथि के हिसाब से होते हैं। मेष राशि वालों को आज जहां जल का स्रोत है, पानी की टंकी भी हो सकता है, वहां पे सफेद फूल डालना आज आपके लिए उत्तम रहने वाला है। और बैगनी रंग का प्रभाव आज आपको अच्छा प्रभाव देगा। क्या नहीं करना है मेष राशि वालों को आज, मेष राशि वालों, ये केवल एक सांकेतिक सेंटेंसेस यानी वाक्य होते हैं, किसी की बात के पलट पार जवाब ना देना। यानी आज आप अपने लॉजिक को अपने पास रखिए और जो दूसरा कह रहा है उसकी सुनेंगे तो ज्यादा लाभान्वित रहने वाले हैं। ये मेष राशि का प्रभाव आज देखा जा रहा है। बात करते हैं अब हम दूसरी राशि, दूसरी राशि है वृषभ राशि। मेहनत करने से आज आपको कोई नहीं रोक पाएगा, सफलता भी मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा पॉज देके आज आप आराम भी कर सकते हैं। कोई बड़ा फायदा भी आज और आज के बाद आने वाले समय में आपको ज़रूर मिलने वाला है। तो वृषभ राशि वाले यूँ तो परिश्रमी होते हैं, छोटा सा एक कार्य कर लें आज। हनुमान जी को आज पान चढ़ाएं और ये पान 5 संख्या में होने चाहिए। शुभ रंग आज आपके लिए गुलाबी सिद्ध हो रहा है। गुलाबी रंग का वस्त्र उपवस्त्र आप धारण भी कर सकते हैं और इस रंग से जुड़े हुए कोई गिफ्ट इत्यादि भी आज आप दे सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन सावधानी भी जरूर है। सावधानी में हम अक्सर बताते हैं तला भुना न खाने की, इसका बहुत बड़ा विज्ञान है। जैसे शरीर के ऊपर तिथि के हिसाब से प्रभाव पड़ता है, वैसे ही खान पान का भी पड़ता है। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों, आपके सोचने समझने और बात करने व्यवहार करने के तरीके में बदलाव होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों से आज आपको अच्छी मदद मिलने वाली है। मित्र बंधु बांधवों के साथ, सहोदरों के साथ आज आप निश्चित रूप से लाभ की स्थिति में रहेंगे। और किंचित भी चिंता ना करिए, जरा सा भी चिंता ना करिए, छोटा सा एक कार्य कर लीजिए। विष्णु जी के मंदिर जाइए और वहाँ पे इत्र, सुगंधि या सुगंध से संबंधित कोई भी वस्तु हो वो चढ़ाएं। और एक चीज का ध्यान रखें, आज का रंग, आज आपका शुभ रंग सफेद है। क्या नहीं करना है आज आपको, आज थोड़ा सा मिथुन राशि वालों को ध्यान रखना है, ज्यादा अंधेरे में
ज्यादा सुनसान जगह में या उसके विपरीत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे, यहाँ पे विचरण करने से थोड़ा सा बचेंगे, अन्यथा आज आपका दिन निश्चित रूप से संध्या काल और उसके बाद शुभ हो रहा है। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों मंगल का बल आज आपके पास खूब है, लेकिन सही समय का सही प्रकार से आज आप इस्तेमाल करना सीखिए और अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए आज आपको आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी गरीब को, और बार बार कहता हूँ मैं, गरीब एक सांकेतिक शब्द है, यानी जो ज़रूरतमंद हो उसको आप खाना खिलाएं, भोजन कराएं। रॉयल ब्लू रंग आज आपकी पर्सनालिटी में तो चार चांद लगाने वाला है, उसका निश्चित रूप से लाभ है। लकी चार्म आपका बताया जो है रॉयल ब्लू कलर, लेकिन क्या नहीं करना है, आज आप किंचित यानी जरा सी छोटी छोटी बातों पे आके थोड़ी थोड़ी लापरवाही कर सकते हैं, और ये छोटी छोटी लापरवाही आपको चोट मोच इत्यादि भी दे सकती है, जरा ध्यान रखिएगा। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों, आज आपके जो बहुप्रतीक्षित रुके हुए धन की जो आपको आवश्यकता थी वो कहीं ना कहीं से पूरी होगी, या कम से कम आज आपको संकेत मिल जाएंगे, उस हिसाब से आज आपका दिन अच्छा दिख रहा है। और इसके साथ साथ ये भी जरूर ध्यान रखिएगा कि आज आपको क्या करना है। सिंह राशि वालों को 11 बार विष्णु जी का मंत्र, कोई भी मंत्र ले लें, वो आज आप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ शुभ रंग आज आपके लिए लाल से दोहरा है, लाल रंग का प्रभाव आज आपको जरूर लेना चाहिए। क्या नहीं करना है आज आपको, ये छोटा सा वाक्य है कि आज आपको किसी के ऊपर भी यानी डिपेंड नहीं रहना है, यानी आपको आज अपने आत्मविश्वास से ही चलना है, ये आज आपकी सलाह है। कन्या राशि वालों कोई भी आपको अपने काम के अलावा कोई एक छोटा सा ही सही, लेकिन छोटा लाभ ही सही आज आपको मिल सकता है, धन लाभ हो सकता है, और आज आपको अपने कार्य के इतर भी कोई कार्य मिल सकता है। क्या करना चाहिए आज आपको, आज आपको मंदिर, धर्म स्थान, देवालय इत्यादि पे आज आपको चंदन से स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए, अपने घर में भी मंदिर स्थापित हो वहाँ पे भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ शुभ रंग पीला है, चंदन का प्रभाव आज आपको निश्चित रूप से शीतलता देगा। कन्या राशि वालों को आज क्या नहीं करना है, कोई ना कोई सेवन मना होता है तो आज आपके लिए दो चीजें मना है, एक तो पूर्व की दिशा, दूसरा चावल से संबंधित कोई भी खाद्य पदार्थ हो उसका सेवन करना आज आपको मना है। कन्या राशि वालों को ये कर लेना चाहिए, क्योंकि कन्या राशि बुध की राशि है और बुध का गोचर परिवर्तन बस हो ही गया समझिए। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों, समय पे आपके कार्य पूरे होंगे, और ये जो कार्य आपके पूरे होंगे वो लंबित कार्य थे, विशेष रूप से वित्त से संबंधित कार्य यानी धन से संबंधित कार्य थे। बड़ों का आज आपको आशीर्वाद मिलेगा, और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि आप छोटा सा एक कार्य कर लें, पूड़ी और बताशा ये ले लें, अपनी छत पे, बालकनी इत्यादि पे पक्षियों इत्यादि के लिए रखें, बहुत अच्छा रहने वाला है। इससे ये छोटा सा कार्य करेंगे तो शुभ रंग आज आपके लिए हरा सिद्ध हो रहा है। हरे रंग का प्रभाव बुध से संबंधित है और आपके कोष में वृद्धि करने वाला है, तो ये आज आप छोटा सा कार्य कर सकते हैं, दिन को बेहतर बना सकते हैं। तुला राशि वालों, आज आपको किसी भी दस्तावेज पे, किसी भी रिकॉर्ड पे, और विशेष रूप से अगर आप अकाउंट्स इत्यादि का काम कर रहे हैं तो बहुत संभल के करिएगा। मकर राशि की बात हम करते हैं। मकर राशि का प्रभाव आज हम थोड़ा सा पहले ले लेंगे, क्योंकि मकर राशि का प्रभाव अधूरे काम पूरे करने की तरफ बढ़ रहा है और खुद पर भी आज आपको भरोसा रखने की तरफ बढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए आज आपको, सूर्य देव को आज आपको जल अर्पित करना चाहिए, और इसके साथ साथ शुभ रंग भूरा आज आपका सिद्ध हो रहा है। भूरे रंग के वस्त्र उपवस्त्र पहनेंगे तो निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र में तनाव कम होगा। मकर राशि वालों को अनजान लोगों की बातें, जो नित नई नई बातें बता के प्रलोभन दे रहे हैं, उनसे थोड़ा सा बचिए, अनजान लोगों की बात में ना आइए, अपने लोगों की राय पे ही आज आपको चलना चाहिए। अब हम बात करते हैं तारतम्य में, तुला के बाद वृश्चिक राशि आती है। वृश्चिक राशि वालों, ऑफिस में खास काम निपटाने में आज आप सफल होने वाले हैं, और इसके साथ साथ आपका कुछ कार्य करने में, काम करने में मन भी लगने वाला है। तो क्या करना चाहिए, अपने चेहरे पे, अपने फेस पे उपटन की जगह
आज आप कच्चा दूध लगा सकते हैं और कच्चा दूध लगाने से निश्चित रूप से आज आपके ऊपर शुभ प्रभाव दिखेगा। और आज आपका शुभ रंग काला है, काले रंग के वस्त्र उपवस्त्र इत्यादि आज आप धारण करेंगे तो निश्चित रूप से उसका शुभ प्रभाव मिलेगा। लेकिन यात्रा यदि आप करने जा रहे हैं या यात्रा के ऊपर आप निकल रहे हैं तो लघु यात्रा तो ठीक है, दीर्घ यात्रा ना करें। इसी तारतम्य में धनु राशि की हम बात ले लेते हैं। धनु राशि वालों, आज आप डिसीजन लेने में, अपना निर्णय लेने में दोस्तों को आप मदद करने वाले हैं और दोस्तों का आपसे साथ भी बनेगा, तारतम्य भी बनेगा, काम भी बनेंगे। तो धनु राशि वालों के लिए क्या करना है, विष्णु मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णवे नमः, जो आप कर सकते हैं वो करें, बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलेगा। लेकिन आज अत्यधिक नमक का सेवन या नमक से संबंधित पदार्थों का सेवन आज आपके शुक्र और मंगल की स्थिति को बिगाड़ सकता है, ध्यान करने में तकलीफ हो सकती है। अब हम बात करते हैं तारतम्य में कुंभ राशि, क्योंकि मकर पहले बता चुके हैं, रुका हुआ पैसा आज आपको मिलेगा और इसके साथ साथ नए अवसर, नए सुयोग ये भी मिलेंगे। क्या करना है, चंदन का तिलक आज आप लगा सकते हैं और इसका प्रभाव आपका मस्तिष्क जागृत हो सकता है और इसके साथ साथ शुभ रंग गोल्डन है। आज आप पैसों का लेन देन, धन का भले ही छोटा मोटा हो, बैंक इत्यादि से भी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी थोड़ा सा आज आप सतर्क रहें, लेन देन ना करें। मीन राशि, अंतिम राशि, आपके लिए भी दिन सामान्य ही है लेकिन परेशानियां आएंगी जो खुद ही आप संभाल सकते हैं और छोटी छोटी परेशानियों के लिए आप लोगों से राय भी ले सकते हैं। बात करते हैं क्या करना है। मीन राशि वालों को गणेश जी की उपासना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती, सभी राशियों को होती है, आपको विशेष रूप से शुभ रंग आज आपके लिए लाइट पिंक यानी कि हल्का पिंक कलर आज आपकी पर्सनालिटी को उजागर करेगा। क्या नहीं करना है, खट्टी चीजें ना खाएं, ये सांकेतिक शब्द है, यानी आज आप इस प्रकार की चीजें ना खाएं जो प्रमाद आलस्य इत्यादि दें। तो दर्शकों, आपने देखा मेष से मीन, मीन से मेष पर्यंत सारी राशियां, गागर में सागर, छोटे छोटे ही कार्य हैं, अपनी अपनी राशियों का याद करिए और अपने अपनों को भी सलाह दीजिए, आपको शुभ हो। और अब आचार्य जी आपको बताएंगे आज का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 5 दिसंबर, नवमी तिथि का मान लगा है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, कुंभ पे चंद्र का गोचर, मार्चीश मास और शुक्ल पक्ष लगा हुआ है, राहु काल 1:29 से 2:47 तक सिद्ध है, शुभ समय 10:27 से 1:08 तक शुभ कार्यों को करने के लिए सिद्ध है। भारत समाचार के सभी दर्शकों को हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। और अब मेल आईडी और आचार्य जी का फोन नंबर देख लेते हैं स्क्रीन पर क्या है, इस मेल आईडी को आप नोट कर सकते हैं और आचार्य जी को अपनी बात पहुंचा सकते हैं मेल के जरिए भी। आप आचार्य जी हाईटेक भी हैं, मेल देखते भी हैं, acharynakshatra@rediffmail.com या फिर आप कॉल कर सकते हैं, संपर्क करने का नंबर है 8004036524। इस पर आपको समय लेना होगा आचार्य जी से बातचीत का कि कब होगा बेहतर समय बातचीत का। आचार्य जी आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम दर्शकों की समस्याओं का समाधान किया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। शुद्धता और विश्वास, तभी तो हम चुनते हैं।